हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉन डियर 5050D। लोगों की ये धारणा है कि जॉन डियर का जो ट्रैक्टर है उसकी तेल की जो खपत है वो ज़्यादा है, तो आज इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक एकड़ के खेत को आपके सामने जोत कर दिखाएंगे और इसकी क्या तेल की खपत है वो अभी आपके सामने होगा। दूध का दूध और पानी का पानी। अब सबसे पहले हम इसके फ्यूल टैंक को खाली कर लेते हैं। खाली करने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इस खेत को जोत के दिखाएंगे। तो तब देखते हैं कि इसकी जो डीजल की खपत है वो क्या रहती है। कैंटर वाला जागा ये भाई, इसको खाली कर रहे हैं, फ्यूल टैंक को खाली कर रहे हैं बिल्कुल। 12-13 रुपये किलोमीटर। ये जॉन डियर 5050D 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। जीते कौन से गियर में चला भाई? लो के चौथे गियर में चलाएंगे और RPM होगा 1750 RPM पर लो के चौथे गियर में चलाया जाएगा। ये एरो है 16 डेक्स की और पीछे वही मैज भी है। सरसों बोनी है, सरसों के लिए खेत तैयार करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि सरसों के खेत को तैयार करने में ट्रैक्टर का जोर काफी लगता है। ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर PTO पर 42.6 हॉर्स पावर को यूज करता है और इसकी जो SFC है वो 270 ग्राम पर किलोवाट आवर है। कोई नहीं, ये भी फ्यूल टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इसमें हम जो डीजल है माफ कर डालेंगे और फिर जुताई स्टार्ट करेंगे। कोई नहीं, जितना भी है तेल डाल दे इसमें, ये फ्यूल टैंक में। ये भाई 2 लीटर का माप है हमारे पास। दूर तो बना रही इतनी हाथ को गाल भाई, गाल और गाल। बस बस जा भाई, गाल है। 2 लीटर हो चुके हैं। रना फूल ला ले, रुक जा, खंडा ना का भाई, रुक जोर ले रे यार, फूल लगा ना। चोंच तो नीचे रह रही है पर चल ले गाल, खंडाओ मत खंडाओ मत। एक आठो पात जाएगा फूल पे टेक ले ऊपर। ये भाई 2 लीटर डीजल हम डाल चुके हैं फ्यूल टैंक में। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जीते आ ट्रैक्टर है रेवाड़ी खेड़ा गाँव शीत ने वाइले बरता ही प्या देंगे। गल भाई गल, और गाल और गाल, पूरा नहीं होया 2 लीटर। बस ठंडाइए मत भाई, कहने तेल ने ये तो भी महंगा हो रहा है। ये तो महंगा हो रहा है, 75 रुपये लीटर हो लिया। 75 हो रहा, 74 यार, 74 75 में क्या फर्क रह गया? 70 का फर्क नहीं है, 5 रुपये का तो घना ही फर्क है यार। 4 लीटर डीजल डाल चुके हैं। अरे ये बहन जो तो की कर रहे हैं तेल दिन खा। भाई कृपया बदर लैंग्वेज यूज ना करें, सारा संसार देखेगा वीडियो को। गलोर गलोर गल भाई थोड़ा। बस पाइप लगड़ कर पाइप देखना काम है तेरा है जीते।
हमारा काम नहीं पप्पो में तेल गेरना। ये भाई 6 लीटर डीजल हो जाएगा ट्रैक्टर में। और भी गाल लोगे ले ले। मर्जी तेरी है भाई, और गालना हो तो और गाल देंगे हम। देख और भर के उल्टा काट के तो ना पाएंगे सारे ने। भाई 6 लीटर डीजल हमने डाल दिया ट्रैक्टर में। भाई 6 लीटर डीजल हम डाल चुके हैं, 1-2 लीटर डीजल और डाल देते हैं। टोटल 8 लीटर डीजल ट्रैक्टर में डल जाएगा। उसके बाद जुताई शुरू करेंगे। और फिर देखेंगे क्या इसकी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस रही। बस 8 लीटर डीजल डल जाएगा फ्यूल टैंक में, या 2 लीटर और डलने के बाद। आठ लीटर डीजल डाल चुके हैं। फ्यूल पाइप को भाई लगा दे वापस, एक बार खोल कर लगा ले, इसमें हवा ना हो। काट दे दो बार, लगा दी, खोल कर लगा दी। बस ठीक है, अब जुताई स्टार्ट कर रहे हैं भाई। लो भाई ट्रैक्टर ना स्टार्ट करो। लोगे चौथे गियर में, लोगे चौथे गियर में, और 1750 RPM पर करो शुरू। ठीक है। हेलो, यो पाटड़ा सारा थोड़ा डलना आ गया है। ये भाई काफी अच्छी जुताई हो रही है। अब देखेंगे कितना डीजल लेगा 1 एकड़ में। अब भाई साहब जो यो भाई कर रहा है ट्रैक्टर, इस हिसाब से कितना डीजल खा सकता है भाई? मेरे ख्याल में वहाँ लोग की बात सच्ची हो जाए। वे कहे है ना ब्लैक जॉन डियर घना तेल खा यार रहे, वो सच्ची होती लग गए हमने दाद। मेरे हिसाब से तो ट्रैक्टर परफॉर्मेंस दे रहा है, इस हिसाब से 3 लीटर से तो नीचे खाने का कोई मतलब नहीं है। चलो भाई वो तो ही बात गए होगा, जो कुछ होगा थोड़ी देर में ही बात दे ही ना, पछे देखेंगे। भैया 1 एकड़ के खेत की जुताई पूरी हो चुकी है, अब इसका दोबारा से तेल मापेंगे। बस भाई बस, बंद कर दे भाई ट्रैक्टर ने। कैन मैं लाता हूँ उठा के। भैया 8 लीटर डीजल हमने डाला था फ्यूल टैंक में, अब इस बाकी डीजल को वापस निकाल लेते हैं माप से, कितने लीटर डीजल जो है खाया और कितना बचा। खेत पूरा जोत दिया है, अब ये फ्यूल पाइप हमने निकाल दी है। आठ लीटर डीजल में से कितना डीजल बचा ये आपके सामने होगा अभी। जितने के अंदाजा के है कुछ नहीं मेरा भाई, पे नापी पहला, फिर पहले पहले कोई अंदाजा होता होगा। पहले कब नहीं नापी है? एवरेज 2017 मॉडल ट्रैक्टर है भाई ये, 1800-1900 घंटे चला है। और भाई की भाई ने लेना हो तो बेकाऊ भी है, कीमत है इसकी 5,15,000 रुपये। टोटल 8 लीटर डीजल हमने डाला था 1 किला जोतने के बाद,
अब वापस निकाल रहे हैं तेल को, 2 लीटर कर भाई पूरा कर, 2 लीटर रोक दे बस, गल वापस डाल दे भाई मैं कैन में। हाँ बात ही भाई, अगर बाकी डीजल का डां जो भरया था उस तक कितना खाया कितना बचाया, 8 लीटर मात है। ठीक है ठीक है, ओके ओके। फूक मार फूक मार। ये हिसाब से तो खत्म ही हो, 8 मात 2 6 1 लीटर ही हो। नहीं भाई ये देखो क्या रहता है, इबर लकड़न लाग रहा है भाई, 8 लीटर डीजल डाला था हमने, 2 लीटर वापिस निकले है, अरे और निकलने लग रहा है, देखो की एवरेज रहेगी। देख ले कम बच रहा सके, अपने आप पे निकल जाए भाई जितना होगा उतना। ये तो भाई आगे है जजमान नाइक बोला तो कह दे जब मंदना आंती दे। अरे यू नहीं है भाई, डीजल की खपत बहुत अच्छी है ट्रैक्टर की, बढ़िया खास है। अच्छी खान, ज्यादा खाने तो अच्छी है, कम खाने तो अच्छी है, बात बता भाई। चल लगा तो खाओ भी का खाओ, ये देखो होगा बुढ़िया। रुक दे रुक दे रुक कर दे भाई बंद, और 2-4 लीटर डीजल भाई वापस निकल चुके हैं 8 लीटर में से, 1 किला जोतने के बाद। अरे भाई ये और देखना है कितना और निकलता है अब। जितने बोल गया भाई हो तो पहुंचा होगा 3 रुपये में ही जाएगा। ला भाई बार माप नहीं इधर लिया, 3 लीटर 4 लीटर और ये कितना रह गया? टेक भाई इसने एक जगह पे टेक, एक सी जगह पे 500 एक मिनट। अरे 500 से देखियो रहा है बड़ा निशान, पूरा 500 का है, यानी कि 2-4 4.5 लीटर 3.5 लीटर खा लिया, 8 लीटर में से 4.5 लीटर वापस निकला है, यानी कि 3.5 लीटर डीजल की एवरेज आई है भाई ट्रैक्टर की एक एकड़ के खेत को जोतने में, 3.5 लीटर एक एकड़ में। चलो भाई बहुत अच्छे जीते फिर भाई साहब, जीते एक और ये नमू करके न्यू बताई भी ना रखा का बेचेगा जो यही तना है खाए जागा तो करता काट देगा ये किले तो यूं है बिकवा देगा। हां और के ये भी ना न्यू भाई को लेनी हो तो बेच दे। तो भैया जीते ट्रैक्टर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, 3.5 लीटर एक एकड़ में इसने डीजल लिया, और ट्रैक्टर का जोर भी का बहुत ज्यादा लगा हुआ था क्योंकि वही सरसों के खेत को तैयार कर रहे थे, इसमें जोर बहुत ज्यादा लगता है, पीछे मैच भी पड़ा हुआ था। तो भाई धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जीते को साथ ना दें।